हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने न तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देख कर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख कर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरे विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी आऊँगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। इस प्रकार से तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।